नहीं, यहाँ तो थोड़ा एक कागजी कार्रवाई थी, तो नोटिस ऑफिस में उसके लिए आए थे। कुछ पुराने मित्रों को भी मिले, क्योंकि मेरी यादें 8 साल यहाँ जुड़ी हुई हैं और लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है। तो जैसे आपको पुराना स्कूल में जब जाते हैं आप, तो आपका जो याददाश्त था वो पीछे चली जाती है कि यहाँ बैठते थे, यहाँ क्लास होती थी, यहाँ खेलते थे। तो इसी तरह लोकसभा सेंट्रल हॉल मेरे लिए राजनीति की शुरुआत के दिनों की याद दिलाते हैं। जी 4:30 बजे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से मीटिंग है। बहुत ही अहम मीटिंग है, क्योंकि पंजाब का जो पानी है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। बल्कि कुछ सरहदी जिलों में तो वहाँ पे यूरेनियम, आर्सेनिक और हैवी मेटल्स पानी में पाए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप्ड पैदा हो रहे हैं। लगभग कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ हर घर में व्हीलचेयर है। तो सतलुज का पानी जिसको इस्तेमाल करके गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को अमृत बनाया था, उस सतलुज का पानी लुधियाना आते आते कैंसर की नदी बन गया, कैंसर का दरिया बन गया। तो उस सिलसिले में जल शक्ति मंत्री जी से बात करेंगे और केंद्र के साथ मिलकर हम पंजाब के पानी को स्वच्छ करेंगे। पंजाब का नाम पानियों के नाम पर है, 5 आब 5 दरिया। तो हम अपने दरिया, अपनी नदियां, अपने नाले तो हम साफ करेंगे। ये हमारी गारंटी भी थी इलेक्शन के दौरान, और वादा भी है और हमारा फर्ज भी है। मान साहब, एजी का इस्तीफा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि वो खुश नहीं थे कामकाज से और इस वजह से वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक फेरबदल होते रहते हैं। एजी साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं और हमारी टीम के मेंबर हैं, और आने वाले दिनों में उनका कानूनी जानकारी का इस्तेमाल भी करते रहेंगे। और वो हमारी टीम के मेंबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब इधर उधर से बातें आ रही हैं। तो अनमोल रतन सिद्धू जी जो थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ उनकी आने वाले दिनों में, कुछ उनकी पहले जो एंगेजमेंट थी, कमिटमेंट्स थी, वो लिखा भी है उन्होंने अपने उसमें। 2-4 दिन तो मतलब मैंने भी कहा कि देख लो अगर चलता है कुछ। वो कहते नहीं जी, मैं कोई किसी बात से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट ने एक और सीनियर वकील विनीत घई जी को जो है एजी नियुक्त किया है। हम चाहते हैं ऐसा एजी के साथ ऐसी टीम हो, ताकि हमें बाहर से बड़ी महंगे फीसों वाले वकील ना जो है हायर करने पड़े, और पंजाब का कोई भी मसला हो, चाहे वो मान योग हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, सेशन कोर्ट में हो, पंजाब सरकार लोगों का